नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके YouTube चैनल डिजिटल क्लासेस पर। मैं आपका रीजनिंग गुरु सूरज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप पढ़ रहे थे मेरे साथ रीजनिंग और रीजनिंग में आप पढ़ रहे थे मेरे साथ, अपने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था रैंकिंग टेस्ट। कल अपन ने इसका पहला भाग पूरा कर लिया है रैंकिंग टेस्ट का, क्रम निर्धारण का। आज दोस्तों इसका करने जा रहे हैं अपन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी कल वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको YouTube चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और ऐप पर पढ़ने वाले जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं वो भी ऐप के अंदर जाके इस क्लास को इसको देख सकते हैं। और एक बात और दोस्तों आपके लिए, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, डीजे सर क्लासेज आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों उसकी जो प्राइस रखी गई है हमारे थ्रू 99 रुपीज़ रखी गई है, और इसकी जो वैधता होगी दोस्तों वो 1 ईयर होगी। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले अपन क्या करते हैं, एक अच्छे से प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है। दोस्तों, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, जिंदगी का अभी सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। दोस्तों, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल कोट के साथ अपने को निरंतर अपनी ज़िंदगी में प्रयास करते रहना होगा, कहीं ना कहीं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपन आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। कल अपन ने पढ़ लिया था कि रैंकिंग टेस्ट के अंदर जब दो व्यक्ति हो तो उनके अंदर अगर कोई मध्यम व्यक्ति का स्थान निकालना हो तो किस प्रकार उसका स्थान निकाला जाता है। चलो यहाँ देखिएगा, इसके कुछ और टाइप के अपन क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन रहने वाला है, यदि किसी पंक्ति में सुरेश ऊपर से 14वें स्थान पर तथा नीचे से 17वें स्थान पर तथा सुरेश ऊपर से 14वें स्थान पर और रमेश नीचे से 17वें स्थान पर है। यदि किसी पंक्ति में सुरेश ऊपर से 14वें स्थान पर तथा रमेश नीचे से 17वें स्थान पर है, यदि उन दोनों के मध्य में विवेक बैठा है तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो सुरेश व विवेक के बीच कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों, ये है आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है कि एक पंक्ति में सुरेश ऊपर से 14वें स्थान पर तथा रमेश नीचे से 17वें स्थान पर है, और उन दोनों के बीच में विवेक बैठा है। दोस्तों, उन दोनों के बीच में कौन है, विवेक बैठा है।
और टोटल उस पंक्ति में 48 विद्यार्थी हैं या 48 व्यक्ति हैं, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को जो निकालना है सुरेश व विवेक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों प्रश्न आपने देख लिया होगा कि प्रश्न किस टाइप का है, तो सबसे पहले तो क्या निकालें अपन, मध्य में व्यक्ति निकालें। और मध्य में व्यक्ति कैसे निकालेंगे अपन, देखो इधर आपको मैंने कल बताया था टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में व्यक्ति, यही बताया था आपको। टोटल जो होगा, टोटल कितना है अपने पास 48, लेफ्ट कितना है 14, ऊपर से नीचे से कितना है 17, मध्य में व्यक्ति निकाल लो। तो मध्य में कितना आ जाएगा, इसके बाद माइनस 31 इक्वल्स टू मध्य में व्यक्ति, कितने आ गए 7 और 17, यानी कि 17 व्यक्ति क्या होंगे, मध्य में होंगे। मध्य में व्यक्ति कितने हो जाएंगे 17, लेकिन ये तो मध्य में है, अपने को क्या करना है, इस विवेक का स्थान मालूम करना है। क्या करना है, विवेक का स्थान मालूम करना है। देखिएगा, विवेक का स्थान वो क्या हो जाएगा, विवेक का स्थान फाइंड आउट करना है तो 17 + 1/2। अगर ओड यहां पर बच रहा है 18/2, यानी कि नवा स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा, नवा स्थान होगा। यानी कि ऊपर से और नीचे से जो सुरेश और रमेश है उनके बाद इनका कौन सा स्थान होगा, नवा स्थान होगा, यानी 9th place पर होगा। तो ये 9th place पर होगा, तो अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था सुरेश व विवेक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो आप खुद बताइए सुरेश सुरेश ऊपर से, ये रहा सुरेश, और इससे 9 स्थान आगे कौन है, यहां कहीं कौन होगा, 1 इस पोजीशन पर कौन होगा, विवेक होगा। कौन होगा, विवेक होगा। तो सुरेश और विवेक के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने होंगे, 8 व्यक्ति। कितने होंगे, 8 व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार से अपन इस वाले प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वाले प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ऊपर से 14 है, नीचे से रमेश, ऊपर से सुरेश 14वें स्थान पर, नीचे से रमेश 17वें स्थान पर है, और मध्य में, ठीक मध्य में कौन बैठा है, विवेक बैठा है। तो सबसे पहले विवेक का स्थान निकालना पड़ेगा। टोटल दिया हुआ है, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका पास, मध्य में व्यक्ति आ जाएंगे। मध्य में व्यक्ति निकालने के बाद आपको विवेक का स्थान निकालना पड़ेगा, ठीक मध्य में है, यानी ऊपर से भी बराबर जगह छोड़ेगा, नीचे से भी बराबर छोड़ेगा। ये जो विवेक है, 8 व्यक्ति ऊपर है तो 8 व्यक्ति ही नीचे होंगे इसके, रमेश के, विवेक के नीचे 8 व्यक्ति होंगे। तो ओवरऑल मिला के विवेक और सुरेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे, 8 व्यक्ति। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 8 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं अपन अब इसमें।
चलो अगला प्रश्न लिखिएगा। यदि किसी पंक्ति में राधा बाएं से 18वें स्थान पर तथा श्यामा दाएं से 35वें स्थान पर हो, दाएं से 35वें स्थान पर हो, अगर वो दोनों अपना स्थान अगर वो दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लिए परिवर्तित करती है तो राधा बाएं से उनतीसवें स्थान पर हो जाती है। राधा बाएं से उनतीसवें स्थान पर हो जाती है, तो बताइए राधा व श्यामा के बीच में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो बताइए राधा और श्यामा के बीच में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? देखेंगे इसको कैसे करेंगे। यहाँ से पहले तो ये देखो कि स्थान परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी स्थान परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे किया जाता है? जितने अंकों की घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी होती है उतने ही अंकों की इधर भी कर देंगे। क्लियर? अभी इसमें कितने अंकों की बढ़ोतरी हो? 11 अंकों की, तो इसमें भी कितने की होगी? प्लस 11 अंकों की ही होगी, प्लस 11 अंकों की होगी। तो अब इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कितना स्थान हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो अपने को बताना है राधा और श्यामा के बीच कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। दोस्तों अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 11 का। सबसे पहले क्या करो, अंतर निकालो। अंतर कितना आ रहा है? 11 का। तो मध्य में व्यक्ति कितने होंगे? मध्य में व्यक्ति जो होंगे वो होंगे अंतर माइनस वन। कितने होंगे? अंतर माइनस वन। अंतर कितना आ रहा है? 11 माइनस एक, कितने? 10 व्यक्ति। यानी उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? देखो कितने बैठेंगे, यहां बैठेंगे 10 व्यक्ति दोनों के बीच। क्लियर? तो ये था आपका मध्य में व्यक्ति कैसे निकाला जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन इसमें। पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है? दोस्तों यहाँ देखिएगा, पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति और न्यूनतम व्यक्ति कैसे निकाले जाएंगे वो देखना आप। लिखिएगा, पंक्ति में मैक्सिमम व मिनिमम व्यक्तियों की संख्या। पंक्ति में मैक्सिमम और मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कैसे आपको निकालनी है? यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन से समझते हैं। चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। लेफ्ट प्लस राइट प्लस
मध्य में व्यक्ति, और मिनिमम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य में व्यक्ति माइनस टू, कैसे निकालेंगे मिनिमम। मिनिमम निकालने का जो तरीका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य में व्यक्ति माइनस टू। दोस्तों माइनस टू क्यों किया है, पंक्ति में मिनिमम व्यक्ति माइनस टू इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट प्लेस और राइट प्लेस वाले को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा सभी, यदि पंक्ति में कुल ९८ व्यक्ति हैं तथा राम का बाएं से स्थान सोलवा, यहाँ कुल को हटा लीजिए, यदि ये तो अपने को निकालना है कुल, तो कि मैक्सिमम कितना होगा, यदि किसी पंक्ति में राम बाएं से सैतीसवां तथा श्याम दाएं से 45वां है, यदि मध्य में 17 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना है आपको, पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या अपने को निकालनी है। चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा इसको, अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या बताया गया है, फॉर्मूला पहले बताया गया है, तो उसी से इसको निकालना है। अधिकतम व्यक्ति क्या होंगे, लेफ्ट से कितना है 37वां, राइट से कितना है 45वां, प्लस मध्य में कितने हैं 17, सभी को ऐड कर दो और क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 7 और 5 12, 12 और 7 19, 1 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, कितने आ गए 99 व्यक्ति, यानी मैक्सिमम कितने हैं उसमें 99 व्यक्ति हैं। वैसे ही न्यूनतम व्यक्ति, न्यूनतम व्यक्ति निकालना है तो 37 प्लस 45 माइनस 17 माइनस 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 और 5 12 82 माइनस के 19, 12 में से 9 गए तो कितना 3 और 7 में से 1 गए तो 6। कितने व्यक्ति आएंगे, 63 व्यक्ति आएंगे। चलो आगे चलिएगा,
ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम व्यक्ति फाइंड आउट करना किसी पंक्ति के अंदर। अब रैंकिंग टेस्ट में उनकी लंबाई से रिलेटेड या उनके सीक्वेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं। अब करते हैं थोड़े विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं। विविध प्रकार के प्रश्न लिखिएगा। 49 बच्चों की एक कक्षा में मोनिका का बाएं से स्थान का 1.5 गुना है। बाईं ओर से मोनिका का बाएं से स्थान मोनिका का बाईं ओर से 49 बच्चों की कक्षा में मोनिका का बाएं से स्थान दाएं स्थान का 1.5 गुना है तो 1.5 गुना है तो मोनिका का बाईं ओर से तो मोनिका का ये दाईं ओर से निकाल लो आप मोनिका का दाईं ओर से स्थान ज्ञात करो। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको कैसे करना है इसको देखो कैसे करेंगे। 49 बच्चों की एक कक्षा में टोटल कितने हैं, वही शुरुआत कल मैंने आपको बताई थी ऐसे होती है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है और उसका दोनों तरफ से मालूम हो तो टोटल कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिएगा टोटल कितने दिए हुए हैं, 49। अब आपको बाएं से स्थान दाएं स्थान का 1.5 गुना है। मैंने माना दाएं से एक्स स्थान पर है, क्या मान लिया मैंने, दाएं से एक्स स्थान पर है तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 1.5x यानी 1.5 गुना प्लस एक्स माइनस 1। ये होगा नहीं होगा, होगा, इधर आएगा ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे 2.5, 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5, 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2x, यहाँ से 5 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, x बराबर आ गया 20। यानी मोनिका दाएं से, दाएं कहाँ से माना, एक्स स्थान से, तो मोनिका दाएं से कौन से स्थान पर होगी, 20वें स्थान पर होगी, यही अपना आंसर है। और अगर बाईं ओर से पूछते तो बाईं ओर से भी देख लो, बाईं ओर से क्या करते हैं भाई, इस एक्स का 1.5 गुना, 1.5 गुना यानी कि 3/2, यानी इस 20 का कितना 3/2, यानी कि कौन सा 30वां स्थान, कौन सा स्थान 30वां स्थान हो जाता। और अगर क्रॉस चेक करना है आपको तो क्या करेंगे, सेम व्यक्ति है, 20 + 30 = 50, -1 कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा वापस 49 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप इजीली बना सकते हैं, ये विविध प्रकार के प्रश्नों में होता है। और करते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों आज अपना रैंकिंग टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, कल मैंने इसका आपको टोटल फाइंड आउट करना, मध्यम व्यक्ति फाइंड आउट करना, स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न कैसे किए जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर
तथा बी बाएं से 19वें स्थान पर तथा सी दाएं से 23वें स्थान पर तथा डी दाएं से 29वें स्थान पर है। यदि ए व डी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो यदि ए व डी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो डी दाएं से 43वें स्थान पर हो जाता है। तो 43वें स्थान पर हो जाता है तो बी का दाएं से तथा सी का बाएं से तथा ए का नया स्थान बाएं से क्या होगा। दोस्तों ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। मैंने लिखा है यदि किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर, बी बाएं से 19वें स्थान पर तथा सी दाएं से 23वें स्थान पर तथा डी दाएं से 29वें स्थान पर है। यदि ए व डी अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो डी दाएं से 43वें स्थान पर हो जाता है। तो बी का दाएं से, सी का बाएं से तथा ए का नया स्थान बाएं से क्या होगा, यह आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को जो करने वाले हैं अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को करने के लिए यहां देखिएगा, अपने को क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं। क्या करना है, टोटल व्यक्ति अपने को निकालने हैं। और टोटल व्यक्ति कैसे निकालेंगे, टोटल व्यक्ति ऐसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान अपने को माइनस वन कर देते हैं तो टोटल व्यक्ति निकल के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो चार चार व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति कैसे आएगा। टोटल व्यक्ति निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उन दो व्यक्तियों को टारगेट करना है जो वाकई में अपना स्थान बदल रहे हैं। क्या करना है आपको, केवल दो व्यक्तियों को जो अपना स्थान अदल बदल कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है। तो ऐसे दो व्यक्ति कौन है, ऐसे दो व्यक्ति हैं अपने ए एंड डी। ए एंड डी अपना क्या कर रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं। ए एंड डी अपना स्थान बदल रहे हैं तो देखो ए का क्या है, इसको टोटल निकालने क्या करेंगे, टोटल एक का नया स्थान, एक कौन, डी, डी का स्थान क्या हो गया 43वां प्लस दूसरे का पुराना स्थान, पुराना स्थान किसका, ए का लेंगे कितना है 15 और माइनस एक कर देंगे 5 और 3 8, 4 और 1 5 -1 57 यानी कि टोटल उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ये देखो आप, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, टोटल 57 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्लियर। उसके बाद अब आपको क्या क्या निकालना है यहाँ देखिए, तो बी का दाएं से
बी का दाएं से, यहां देखो बी का बाएं से कितना है 19वां, टोटल कितने हैं आपके पास 57, तो टोटल इक्वल्स टू 19 प्लस राइट माइनस 1, एक इधर आएगा कितने हो जाएंगे 58 और माइनस के 19 इक्वल्स टू राइट, 8 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यानी 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी बी का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा 39वां स्थान हो जाएगा, बी का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा 39वां स्थान। एक प्रश्न का जवाब आ चुका है, दूसरा आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा गया है सी का बाएं से। अब सी को देखो, सी कहां है, सी रहा, सी का दाएं से सी का दाएं से कौन सा स्थान दिया हुआ है 23वां, सी का बाएं से, सी का बाएं से स्थान अपने को निकालना है, सी का बाएं से स्थान निकालना है तो देखो क्या होगा, टोटल कितने हैं 57, 58 माइनस उसका स्थान माइनस कर दो, सी का सी 23वें स्थान पर है तो 23 माइनस कर दो, ये आ जाएगा अपना 5 और 3 35वां स्थान, कौन सा स्थान आ जाएगा 35वां स्थान आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद तथा ए का नया स्थान बाएं से क्या होगा, ए का नया स्थान बाएं से, दोस्तों देखो जितने अंकों की घड़ोतरी या बढ़ोतरी होती है ना उतने अंकों की इसमें भी हो जाती है, तो डिफरेंस देख लो 43 माइनस 29 अंतर कितना आ रहा है 43 माइनस के 29, तो यहाँ से 13 में से 9 जाएंगे 4, 3 में से 2 गए 1, 14 अंकों का अंतर आ रहा है, कितने अंकों का अंतर आ रहा है 14 अंकों का अंतर आ रहा है, तो ए का नया स्थान क्या हो जाएगा 15 प्लस 14 29वां स्थान हो जाएगा बाएं से, कहां से बाएं से, ये तीनों प्रश्नों के जवाब आ चुके हैं आपके पास, तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास अपनी, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, ये आज अपन ने रैंकिंग टेस्ट को पूरा कर लिया है, और अगर इसी के साथ या ऐसे ही मेरे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं या पूरी रीजनिंग कवर करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहना है और तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको उसके लिए YouTube चैनल पर जाकर डीजी सर क्लासेस ऐप को सब्सक्राइब करना होगा, और ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो अभी तक उन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है रैंकिंग टेस्ट की तो वो ऐप पर जाकर मेरी पहली क्लास को देख सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तैयारी मेरे साथ ग्रुप डी की तो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, टेस्ट वन पे जाना होगा और उसको सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है और उसकी जो प्राइस रखी गई है 99 रुपीज़ का ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।